नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं यहया खान पठान, अध्यक्ष छत्रपति शिवाजी महाराज मुस्लिम ब्रिगेड अमरावती। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछले लोकसभा चुनाव में जो अभी हुआ है लोकसभा का चुनाव, उन लोकसभा चुनाव में खास करके माइनॉरिटी समाज जो है और जो पिछड़ा समाज है, जो हमारे दलित आदिवासी मुस्लिम समाज जो है, इन्होंने भरपूर मतदान का जो एक प्रदर्शन किया है और बड़ी तादाद में मतदान किया है, और इसका फ़ायदा जो है वो इंडिया आगाड़ी को देखने मिला है। इंडिया आगाड़ी को अच्छे पैमाने पे जीत हासिल हुई है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, पूरे भारत के अंदर। और उस समय लोकसभा के जो चुनावी मुद्दे थे, वो चुनावी मुद्दों में भी कहीं ना कहीं हिंदुत्व का जो कार्ड है वो खासकर काम नहीं कर पाया, ऐसा हमको देखने में आया है। क्योंकि जैसा कि अयोध्या की जो सीट है वो खास करके बीजेपी को हारना पड़ा, और इस तरीके के जो नतीजे आए हैं पूरे देश में, उससे ये चला कि भाई अब जो लोग है, जो जनता है, वो हिंदुत्व का जो मुद्दा है या जातिवाद का जो मुद्दा है, इसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करके जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो मुद्दे है उसको कहीं ना कहीं महत्व देने का काम यहाँ का मतदार जो है वो करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अभी विधानसभा का जो चुनाव है, विधानसभा के चुनाव के जो मुद्दे हैं वो लोकसभा के चुनाव के मुद्दों से थोड़ा हटके होते हैं। और अभी हाल ही में आने वाले विधानसभा के चुनाव में खास करके कुछ बातें जो है नई तौर पे उभर के आ रही है। जैसा कि हर समाज को अपना अपना प्रतिनिधित्व विधानसभा के अंदर चाहिए, ये बात खासा जोर पकड़ता हुआ हमको नज़र आ रही है। जैसा कि अभी ज़्यादातर विधानसभा क्षेत्र जहां मुस्लिम बहुल आबादी है, वहां पे ऐसा लग रहा है मुस्लिमों को, क्योंकि पिछले लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें पूरे महाराष्ट्र में 48 सीटों में से एक भी सीट जो है इंडिया गठबंधन ने मुस्लिम समाज को नहीं दी है। इस बात की जो वो है, कहीं ना कहीं लोगों के दिल में इस बात को लेकर एक उत्कंठा है कि आने वाले विधानसभा में हमको बराबरी का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जहां खास करके जीतने की तादाद में हमारा परसेंटेज है, वोटिंग ऑफ परसेंटेज, वहां तो भी कम से कम महाविकास आघाड़ी की ओर से जो जितने उनकी घटक पक्ष है उन्होंने कम से कम अपने कोटे में से एक एक सीट, हर ज़िले में एक एक सीट या दो सीट जहां आबादी ज़्यादा है वहां मुस्लिम मतदाताओं को या मुस्लिम समाज को वहां अपना प्रतिनिधित्व देने की कोशिश करना चाहिए। ऐसी एक जो बात है बड़ी पैमाने पे हमको नज़र आ रही है। इसी को लेकर अभी नागपुर शहर में विदर्भ इंटेलेक्चुअल फोरम और कुछ आदिवासी नेता और दलित नेताओं ने मिलकर एक कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें भी जिसका विषय था कि भाई लोकसभा का चुनाव जो हुआ है उसमें दलित, ओबीसी, आदिवासी और मुस्लिम समाज ने क्या पाया क्या खोया, ये उसका सब्जेक्ट था, ये उसका उन्वान था। तो ये बात अभी हमको आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत अहम मुद्दा बनकर उभरने की आशंका है, और इसको कहीं ना कहीं सीरियसली महाविकास आघाड़ी ने और उसके घटक पक्षों ने लेना चाहिए, ऐसा हमको लगता है। धन्यवाद।